हे ये फ्रेंड्स वेलकम टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तो स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव तो स्टार्ट करते हैं क्लास को तो एडजेक्टिव क्या होता है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज और एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन ठीक है तो सिंपल वर्ड में समझते हैं एडजेक्टिव क्या होता है जो क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को ठीक है एडजेक्टिव जो है एक क्वालिटी होती है ठीक है क्या होता है हमारे पास जैसे ब्यूटीफुल लेजी स्मार्ट इंड ठीक है तो ये सारे जो है एडजेक्टिव होते हैं ठीक है थीके? तो अब बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स तो एडजेक्टिव्स की क्या क्या डिग्री होती है एक पॉजिटिव डिग्री होती है एक कंपेरेटिव होती है एक सुपरलेटिव होती है ठीक है तो फर्स्ट है हमारे पास जैसे बोल्ड तो बोल्ड जो है वो पॉजिटिव डिग्री आ रही है बोल्डर जो है वो कंपेरेटिव डिग्री आ रही है और बोल्डेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री आ रही है ठीक है वैसे ही ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट नेक्स्ट है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल का कंपेरेटिव डिग्री है मोर ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट ब्यूटीफुल ठीक है हम बात कर लेते हैं यूसेज ऑफ पॉजिटिव डिग्री तो हमने पॉजिटिव डिग्री जो है उसको कहाँ यूज करना है ये हम देखेंगे तो रूल नंबर फर्स्ट हमारे पास जो बोल रहा है वो बोल रहा है इट मेयरली क्वालिफाइज अ सिंगुलर नाउन एंड डज नॉट कंपेयर एनीथिंग एट ऑल ठीक है तो ये तो ये किसी सिंगुलर नाउन को जो है वो क्वालिफाई करता है और इसमें कोई कंपैरिजन की बात नहीं होती जैसे फॉर एग्जांपल ही इज़ अ गुड टीचर ठीक है तो यहाँ पे ही जो है एक प्रोनाउन है ठीक है नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव तो वो सिर्फ क्या कर रहा है उसको क्वालिफाई कर हमारे पास गुड जो है एक पॉजिटिव डिग्री है और साथ में ये क्या है एडजेक्टिव है ठीक है ये क्वालिटी है तो ही इज अ गुड टीचर हमारे पास बोर है विद ए और एन हम जो है पॉजिटिव डिग्री का यूज़ ए के साथ भी करते हैं एन के साथ भी करते हैं जैसे ए के साथ तो हमने ऊपर ही कर लिया ही इज अ गुड टीचर ठीक है सेकेंड है एन के साथ ड्राइविंग इज एन ईजी टास्क तो ईजी यहाँ पे एडजेक्टिव है कि ड्राइविंग जो है एक बहुत ही आसान काम है ठीक है तो तो यहाँ पे इजी जो है वो किसको क्वालिफाई रहा है टास्क को कि कैसा टास्क है इजी टास्क है ठीक है नेक्स्ट हमारे पास बोल रहा है विद एज तो हम जो है एज के साथ भी जो है पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं जैसे शी इज एज ब्यूटीफुल एज आई एम वह उतनी ही सुंदर है जितनी मैं हूं ठीक है तो यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है एक पॉजिटिव डिग्री आपको पता है ठीक है इसकी कंपेरेटिव डिग्री क्या है मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव डिग्री क्या है मोस्ट ब्यूटीफुल ठीक है तो यहाँ पे हमने एज के साथ जो है हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे पॉजिटिव डिग्री ठीक है अब हम बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट नोट के बारे में तो एज एज जो होता है वो पॉजिटिव कंपैरिजन करेगा ठीक है जैसे यहाँ पे हुआ है ऊपर शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज आई एम ठीक है तो यहाँ पे पॉजिटिव कंपैरिजन हुआ है और जब हम सो so एज़ का यूज़ करेंगे तो वो एक नेगेटिव कंपैरिजन होगा जब भी आप नेगेटिव कंपैरिजन करना चाहोगे तो आप सो so एज़ का यूज़ करोगे लेकिन अगर आपने पॉजिटिव कंपैरिजन किया तो आप एज एज़ का यूज़ करोगे जैसे शी इज़ एज़ ब्यूटीफुल एज हर मदर ठीक है तो ये पॉजिटिव कम्पेरिज़न हो रहा है ठीक है अगर नेगेटिव की बात करना है कि वह उतनी सुंदर नहीं है तो कैसे बोलोगे शी इज़ नॉट सो ब्यूटिफुल एज़ हर मदर ठीक है तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमने कंपेरेटिव डिग्री का यूज कहाँ करना है ठीक है रूल नंबर वन बोल रहा है कि जब भी हमने कंपेरेटिव डिग्री का यूज करना है तो वो सिर्फ दो पर्सन में जो है कंपेरिजन होता है जैसे शी इज वाइजर देन हर ब्रदर ठीक है अब रूल नंबर टू बोल रहा है विद देन देन तो then के साथ भी जो है हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज करेंगे जैसे ही रन फास्टर देन हिज ब्रदर तो कंपेरिजन तो की बात जब भी आई तो हमने क्या यूज करा है यहाँ पे देन हिज ही रन फास्टर देन हिज ब्रदर ठीक है रूल नंबर थ्री बोल रहा है विद मच तो मच के साथ भी जो है हम कंपैरिरी का यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री का जैसे श्लेज़ मच बेटर देन हर सिस्टर वो अपनी बहन से बहुत ज्यादा अच्छा खेलती है ठीक है शी प्लेज़ मच बेटर देन हर सिस्टर तो मच के साथ भी हमने कौन सी डिग्री का यूज करा है कंपैरेटिव डिग्री का रूल नंबर 4 है विद एनी अदर एनी अदर के साथ भी जो है हम कम्पेरेटिव डिग्री का यूज करेंगे जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में है अमेरिका इज रिचर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड तो रिचर जो है रिच की क्या है कंपेरेटिव डिग्री का यूज किया ठीक है ठीके? साथ में एनी अदर लगाना पड़ेगा अमेरिका इज रिचर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड हमारे पास डबल कंपेरेटिव आर नॉट यूज हम जो है डबल कंपेरेटिव का यूज़ नहीं करेंगे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे दिस क्वेश्चन इज़ मोर टफर देन द अदर क्वेश्चन ठीक है तो यहाँ पे द क्वेश्चन इज मोर टफर मोर जो है कंपेरेटिव डिग्री है टफ भी है जो वो टफ़ की कंपेरेटिव डिग्री है तो हम दो जो कम्पेरेटिव डिग्री है उनको इकट्ठे नहीं लिख सकते उनमें से हमें एक लिखना पड़ेगा तो ये हमारे पास जो है एकदम गलत है तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे दिस क्वेश्चन इज़ टफ़र दैन द अदर क्वेश्चन ठीक है कर लेते हैं यूसेज ऑफ सुपरलेटिव डिग्री तो अब हम सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात करेंगे तो रूल नंबर फर्स्ट बोलता है इट मोर देन टू यूनिट्स तो सुपरलेटिव डिग्री जो है कंपेयर करती है दो से ज्यादा लोगों को ठीक है जैसे आउट ऑफ फिफ्टी स्टूडेंट ठीक है पचास स्टूडेंट में से वो जो है वो सबसे बेस्ट है ठीक है सुपर थ्री तो थ्री के साथ भी हम जो है सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे जैसे ही इज द रिचेस्ट ऑफ द थ्री फ्रेंड्स रूल नंबर थ्री है सीक्वेंस ऑफ सुपरलेटिव डिग्री est एस टी और मोस्ट ठीक है अब जो है एक सेंटेंस में ई एस टी और मोस्ट का यूज कर सकते हैं लेकिन कैसे वो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ज द बेस्ट एंड मोस्ट हैंडसम एक्टर इन बॉलीवुड ठीक है वो बहुत ही ज्यादा बेहतर और बहुत ही ज्यादा जो है खूबसूरत एक्टर है बॉलीवुड में ठीक है तो आप ऐसे ही यूज कर सकते हो बेस्ट वाली फॉर्म भी आपने यूज किया और मोस्ट वाली फॉर्म भी आपने यूज किया ठीक है तो अब बात कर लेते हैं एजेक्टिव के कुछ अदर इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में तो रूल नंबर फर्स्ट है हमारे पास प्रेफरेबल ऑलवेज फॉलोड बाई टू एंड नॉट देन हमेशा प्रेफर के साथ आपने कौन सा यूज करना है टू यूज करना है ना कि देन नेक्स्ट है हमारे पास रूल टू वर्ड्स एंडिंग इन आई ओ आर टेक्स टू इंस्टेड ऑफ देन फॉर एग्जाम्पल इसमें बोल रहा है कि जो वर्ड्स जो है आई ओ आर के साथ एंड होते हैं उनके साथ हमेशा हमने क्या लगाना है टू ना कि देन जैसे प्रायर ठीक है आईओ आर से एंड हो रहा है सीनियर आईओ आर से एंड हो रहा है सुपीरियर आई ओ आर से एंड हो रहा है ठीक है तो इनके साथ हमेशा हम टू लगाएंगे जैसे ही इज जूनियर टू मी हीज सीनियर टू मी और ऐसे बोल सकते हो द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज टू द अदर्स ठीक है तो अब बात कर लेते हैं रूल नंबर थ्री की तो रूल नंबर थ्री रहा है यूज ऑफ वर्थ एज एन एडजेक्टिव जो वर्थ का यूज है हम उसको कैसे कर सकते हैं एज ए एडजेक्टिव कैसे करेंगे तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं दिस इज द बुक वर्थ रीडिंग ठीक है book तो ये बुक जो है बिल्कुल पढ़ने लायक है ठीक है दिस इज द प्लेस वर्थ विजटिंग तो नेक्स्ट रूल हमारे पास है सम एडजेक्टिव डू नॉट हैव कम्पेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स एग्जाम्पल राउंड परफेक्ट यूनिक अब जो है ना ही हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज कर सकते हैं ना ही सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर सकते हैं ठीक है तो जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास द अर्थ इज द मोस्ट यूनिक तो द अर्थ आप कभी भी नहीं बोलोगे ठीक है तो अर्थ इज द यूनिक प्लेनेट तो यहाँ पे यूनिक जो है वो अपने आप में ही सबसे अलग चीज़ होती है ठीक है तो उस तो उसके साथ आप मोस्ट वाली चीज़ नहीं लगा सकते क्योंकि यूनिक जो चीज़ है वो अपने आप में ही सबसे अलग है ठीक है तो बात कर लेते हैं कुछ एरर्स की तो जैसे यहाँ पे दिया है मुंबई इज बेटर देन एनी टाउन इन इंडिया ठीक है तो इसमें एरर आपको बताना है तो हमने क्या बोला है जब भी आप कंपेरेटिव डिग्री का यूज करोगे तो किसके साथ होता है एनी के साथ अदर भी लगता है ठीक है तो यहाँ पे एरर यहाँ पे है एनी अदर टाउन ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास दिस इज द वर्स बुक इन द लाइब्रेरी तो आपको मैंने बताया कि वर्ड्स का यूज हम कब करेंगे जब दो चीजें होंगी कंपेरिजन में ठीक है तो बहुत सारी बुक्स हो सकती है तो यहाँ पे क्या आएगा सुपरलेटिव डिग्री आएगा कि सबसे बुरी जो बुक है वो ये है ठीक है तो वर्स्ट यहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे ठीक है हमारे पास पाकिस्तान इज नॉट एज पावरफुल एज इंडिया तो आपको पता है ये नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है तो हम क्या यूज करेंगे पन इज नॉट सो पावरफुल एज इंडिया एज पावरफुल एज इंडिया तो हमारे पास पॉजिटिव हो गया ठीक है हमें यहाँ पे नेगेटिव ऑलरेडी दिया है नॉट तो हम नॉट के साथ सो का यूज करेंगे पाकिस्तान इज नॉट सो पावरफुल एज इंडिया बस माई वॉच इज बेटर देन ऑफ योर्स तो हम देन ऑफ योर्स तो कभी भी नहीं बोलते ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा माई वॉच इज बेटर देन योर ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास माई ऑब्जर्वेशन इज डेड बिटवीन विवेक एंड शशि विवेक इज द मोस्ट इंटेलिजेंट तो यहाँ पे दो पर्सन की बात हो रही है ठीक है विवेक और शशि की और यहाँ पे क्या होगा ऑब्वियसली कंपेरिजन बता रहा रहे है, तो, तो यहाँ पे हम मोस्ट जो है एक सुपरलेटिव डिग्री है तो इसका यूज नहीं करेंगे किसका करेंगे कंपेरिजन की बात हो रही है तो हम यहाँ पे हम कंपेरेटिव डिग्री की बात करेंगे तो यहाँ आएगा मोर ठीक है More, तो सेंटेंस बनेगा हमारे पास माई ऑब्जर्वेशन इज डेड बिटवीन विवेक एंड शशि विवेक इज मोर इंटेलिजेंट क्लास में हमने पढ़ा एडजेक्टिव तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी अगर समझ आई है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच